हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वेद प्रकाश। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर बैठे ही आधार कार्ड में करेक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं विशेष जानकारी देने वाले हूं। फ्रेंड्स, आप घर बैठे ही आप अपने लैपटॉप से या मोबाइल से अपने आधार कार्ड में करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, घर बैठे आप तभी आप अपने आधार कार्ड में अपडेट या करेक्शन कर सकते हैं जब आपका मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और वो मोबाइल आपके पास चालू कंडीशन में होना चाहिए। यदि आपका आधार से पहले से आपका आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इसमें करेक्शन घर बैठे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर से आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर में जाके करवाना पड़ेगा। तो मैं आज वैसे व्यक्तियों के आधार करेक्शन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिनका मोबाइल नंबर पहले से ऑलरेडी अपडेट है और वो मोबाइल आपके पास चालू कंडीशन में है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको अपलोड करना होगा, या तो अगर आप मैट्रिक पास हैं तो आपको मैट्रिक पास मार्कशीट का कॉपी, यदि आपके पास पैन कार्ड है अवेलेबल तो पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ही आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए वैलिड माना जाता है। अब यदि नाम चेंज कराना चाहते हैं तो नाम चेंज कराने के लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट की आवश्यकता होगी या फिर नहीं तो किसी गजेटेड ऑफिसर के वेरीफाइड कागज चाहिए। यदि आप अपने वर्तमान पता में परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे कोई महिला लेडीज है जो पहले अपने पापा के घर में रह चुका और जब मैरिज विवाह के बाद वो अपना हस्बैंड का नेम और एड्रेस का चेंज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एड्रेस पर क्लिक करके उसमें चेंज कर सकते हैं। और एड्रेस को चेंज करने के लिए आप या तो अपना आधार कार्ड में जब एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो मुखिया का सत्यापित कागज या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा आधार इनरोलमेंट फॉर्म में भर के उसके सत्यापित करके उस कागज को अपलोड करके अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम कैसे अपना आधार कार्ड को अपडेट करते हैं इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले आधार कार्ड करेक्शन के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट अगर आपको नहीं पता है तो आप सीधा आधार कार्ड टाइप कर दीजिए गूगल में। आधार कार्ड जैसे लिखते हैं तो ऐसे स्क्रीन पर आपको नीचे आधार कार्ड का ऑप्शन लिखा दिखाई देता है, उस पर ले जाकर के माउस क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका उसका ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in आ जाता है। अब मैं इस ऑप्शन पर जाकर के क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करते हैं इसका होम पेज आपको इस प्रकार से ओपन होता है। फ्रेंड्स, अब इसमें सेलेक्ट योर प्रीफर्ड लैंग्वेज टू इंटर द वेबसाइट, तो इस पे आप अपना लैंग्वेज पर क्लिक करें। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज क्लिक करता हूँ, अब इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ इसका होम पेज ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, अब इसमें तो इतने सारे ऑप्शन हैं तो आप सोचिए इसमें कौन सा ऑप्शन पर जाया जाए जहाँ पर हम जाकर के अपने आधार कार्ड का करेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माई आधार। जैसे ही माउस वहाँ ले जाके जाते हैं फ्रेंड्स, वहाँ जाके माउस लेके जाए, वहाँ क्लिक नहीं कीजिएगा। जैसे वहाँ माउस लेके जाते हैं तो बहुत सारा मेनू ऑप्शन खुल जाता है। अब इसी मेनू ऑप्शन में आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप अपने नज़दीकी केंद्र में जाकर के अपना एनरोलमेंट नंबर या अपना आधार अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करके बुक कर सकते हैं। यदि आप अपना आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने बनने दिया था वो अभी किस स्थिति में है, तो चेक आधार कार्ड स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं। और यदि आप अपना आधार कार्ड को दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करें। यदि आप अपना आधार कार्ड को ऑनलाइन घर पर पीवीसी कार्ड के रूप में मंगवाना चाहते हैं, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करके मंगा सकते हैं। और यदि आपने पीवीसी कार्ड का ऑर्डर किया है और आपका अभी तक ऑर्डर कार्ड नहीं पहुंचा है तो
तो आप चेक आधार पीवीसी कार्ड स्टेटस पे जा करके आप देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ तक पहुंचा है और क्यों नहीं आया है। और इधर ऑप्शन पे आते हैं तो लिखा रहता है अपडेट आधार इनरोलमेंट अपडेट सेंटर। तो फ्रेंड्स इस पे आधार अपडेट इनरोलमेंट सेंटर के इधर इनरोलमेंट सेंटर पे जाकर अपना आधार कैसे अपडेट कीजिएगा, चेक आधार अपडेट स्टेटस, आपने जो आधार अपडेट करवाया था उसका क्या स्टेटस है। अब देखिए यहाँ पर मेन विषय आता है अपडेट डेमोग्राफी डाटा एंड चेक स्टेटस, यहाँ पर भी अपने डाटा डेमोग्राफी स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने आधार कार्ड में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए दाहिने तरफ में एक अंगूठे का थंब इंप्रेशन का सिंबल बना हुआ और नीचे लॉगिन ऑप्शन है, इसी लॉगिन ऑप्शन पर मैं माउस क्लिक करता हूँ। ऐसा क्लिक करते ही आपका एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है इंटर योर आधार। तो फ्रेंड्स इस पे आप अपना आधार नंबर अंकित करें, जब आपका बना हुआ है तो आधार कार्ड नंबर होगा, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर लिखें। आधार नंबर लिखने के बाद नीचे कैप्चा लिखने के लिए दे रहा है, उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। ऐसा क्लिक करते ही आपका रजिस्टर्ड मोबाइल जो होगा उस मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। इस ओटीपी को यहां पर टाइप कर दीजिए। यहाँ पर ओटीपी लिखने के बाद अब यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका आधार लॉगिन हो जाता है। अब लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पर कितने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर सर्विस लिखा हुआ, सर्विस नीचे डाउनलोड आधार कार्ड, यदि आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड आधार कार्ड पर क्लिक करें, या फिर पीवीसी कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो अपने लॉगिन ऑप्शन से भी जाके कर सकते हैं, ओपन बाहर से भी कर सकते हैं या लॉगिन होने के बाद भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट, तो मैं यहाँ पर ही अपना डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहता हूँ तो अपलोड ऑनलाइन अपडेट सर्विस पे क्लिक करें। जैसे हमें ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हो जाता है जिसमें तीन ऑप्शन रहते हैं, पहला अपडेट आधार ऑनलाइन, दूसरा हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड आधार अपडेट, तीसरा लैंग्वेज ओनली अपडेट। मैं यहाँ पहले ऑप्शन अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ हाउ इट वर्क्स, यह कैसे काम करता है, स्क्रोल बार नीचे करके सारे ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सारा चीज आपको लिखा हुआ है। करेक्शन करने क्या चार्ज लगते हैं, न्यू बनाने क्या चार्ज लगते हैं, सारा चीज देखिए। यू हैव पे 50 रुपीज ऑनलाइन अपडेट, यदि आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अपडेट करना चाहते हैं जिस ऑप्शन को अपडेट करना चाहेगा उसका एक चार्ज लगता है, उस चार्ज को सबमिट करने के बाद ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यू विल ऑब्टेन सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, और जब पे कर देते हैं तो एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आता है, उसके बाद योर रिक्वेस्ट विल बी वेरीफाइड आवर इंटरनल चेक ऑपरेटर, जब हम सबमिट कर देते हैं डाटा तो उसके आधार के इनरोलमेंट के ऑपरेटर लोग चेक करते हैं और लगभग 1 से 10 से 12 दिन लगते हैं, उसके बाद हमारा वेरीफाई हो जाता है। अगर सही डाटा सब इंफॉर्मेशन मैंने अगर सही दिया होगा तो अपडेट होकर के 10 से 12 दिन में अपडेट हो जाता है, जिसे आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। सारे ऑप्शन को पढ़ने के बाद देख लीजिएगा, उसके बाद फिर नीचे रहता है प्रोसीड टू अपडेट आधार, यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रोसीड टू अपडेट आधार में। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है कि क्या चेंज और कितने बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नेम, मैं यहाँ इस आधार का नेम में 1 अपडेट लेफ्ट, एक ऑप्शन एक बार हमें और भी चेंज करने का मौका दिया जा रहा है, अपडेट कर सकते हैं हम अपने नाम को एक बार और कर, थोड़ा उसको चेंजिंग करना करेक्शन करना हो। दूसरा ऑप्शन में है डेट ऑफ बर्थ 0 अपडेट लेफ्ट, कहता डेट ऑफ बर्थ में अब मैं एक बार भी चेंजिंग नहीं कर सकता हूँ। जेंडर
जेंडर में भी एक बार भी चेंजिंग नहीं कर सकता। अब आपके पास सिर्फ दो ही, एक तो नाम हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा एड्रेस। तो देखिए अब यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ हमारा चेंजिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा था, मैंने सोचा था कि डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज करके ऑप्शन बताऊंगा। चलिए फ्रेंड मैं अपना एड्रेस को आज चेंज करके बताता हूँ कि आप अपना एड्रेस में कैसे चेंजिंग कर सकते हैं। एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करें। एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आता है प्रोसीड टू अपडेट आधार। नीचे ऑप्शन में जाने के बाद तो ऑप्शन आता है प्रोसीड टू आधार अपडेट। इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका अपडेट ऑप्शन का मेनू खुल के आ जाता है। देखिए यहाँ पर ही हमारा एड्रेस दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं कि अपना आधार डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर केयर ऑफ पूछ रहा, पहले था फ्रेंड्स कि डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, सन ऑफ ऑप्शन लिखते थे, लेकिन अब ज़्यादातर केयर ऑफ का प्रयोग आधार कार्ड में होने लगा है। तो आपका यहाँ पर पुराना ऊपर के और देखिएगा तो यहाँ आपका करंट डिटेल्स दिखा रहा है कि आपका आधार तो फादर नेम क्या लिखा हुआ है। अब नया एड्रेस जगह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके फिर से केयर ऑफ में केयर ऑफ करके अपना फादर्स नेम दे सकते हैं। अगर शादीशुदा है महिलाएं हैं तो वाइफ ऑफ करके अपना हस्बैंड का नाम दे सकते हैं। तो नीचे में भी जैसे आप इंग्लिश में नाम टाइप कीजिएगा हिंदी में भी नाम आपका ऑटोमेटिक टाइप हो जाता है। उसके बाद हाउस या बिल्डिंग अपार्टमेंट, अगर यदि हाउस का नंबर है नंबर लिख दें, स्ट्रीट नेम, गली नेम, लोकेलिटी, सेक्टर, लैंडमार्क, आप जहाँ रह रहे उसका लैंडमार्क क्या है, वहाँ पर आप पहले पिन कोड लिख दें, जिस एरिया का है उस एरिया का पिन कोड। पिन कोड लिखते ही आपका स्टेट और विलेज नेम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। तो स्क्रॉल बार करके पेज को डाउन कीजिएगा तो आपका विलेज का नाम दिखाई देगा, वहाँ पर जैसे आप माउस क्लिक करते हैं आपका विलेज आने लग जाता है। विलेज लेने के बाद सारा ऑप्शन पिक कर लेते हैं। अब यहाँ से आप सब चीज़ देख लें कि सारा हमारा डाटा इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो ये सारा डिटेल सब सही लग रहा है, उसके बाद पूछता है डॉक्यूमेंट अपलोड, आप जो एड्रेस के लिए दे रहे हैं उसके लिए क्या अपडेट दे रहे हैं। फ्रेंड्स आपने आधार कार्ड के लिए अपडेट के लिए आपका एक फॉर्म आता है, देखिए आधार अपडेट, अपडेट फॉर्म, जैसे आप गूगल में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आधार अपडेट फॉर्म एक आ जाता है। तो फॉर्म देखिए इस टाइप का ये आधार अपडेट है फ्रेंड्स, इसमें आधार का सारा इंफॉर्मेशन, नाम, जेंडर, एड्रेस सब फिलअप करके फिलअप कर दें। और भी इसके अलावा और भी नया करेक्शन फॉर्म आपके पास है, एक फॉर्म इस टाइप से मिले, फ्रेंड्स देखिए आधार अपडेट करने के लिए इस तरह का आधार करेक्शन फॉर्म का आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में आप अपना आधार नंबर और आपने जो एड्रेस अपडेट किया है इस अपडेट का सारा डिटेल्स इसको फिलअप करके नीचे की ओर देखिएगा, केयर ऑफ में आप अपना फादर है तो पिता का नाम, अगर आप लेडीज है तो आप अपने हस्बैंड का नाम, बिल्डिंग नंबर अगर बिल्डिंग नंबर है तो बिल्डिंग नंबर डाल दें,
लैंडमार्क, जैसे आपके नज़दीकी में कोई स्कूल कॉलेज हो या कुछ लैंडमार्क होते उसे लिख सकते, लोकलिटी में भी कुछ अपना विलेज के बारे में लिख सकते, विलेज एंड टाउन सिटी में आप अपना गांव का नाम लिखें, पोस्ट ऑफिस में आप अपना पोस्ट ऑफिस लिखें, डिस्ट्रिक्ट में आप अपने जिले का नाम लिखें, स्टेट में आप अपने स्टेट का नाम लिखें, पिन कोड अपना एरिया का पिन कोड और डेट ऑफ बर्थ आपका जो सही डेट ऑफ बर्थ है उसे डालें। उसके बाद यहाँ देखिए दाहिने तरफ एक फोटो चिपकाने का ऑप्शन दिया, फोटो रिजेंट फोटो चिपकाएं और सिग्नेचर, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करें। उसके बाद पेज को देखिए नीचे की ओर करते, इसमें लिखा रहता है सर्टिफायर डिटेल्स, इसको कौन आपको सर्टिफाइड कर रहा है कि एड्रेस कि आपका ये एड्रेस सही है, उस व्यक्ति का यहाँ पर नाम लिखिए, डेजिग्नेशन वह किस पोस्ट में है, जैसे आप स्कूल के अफसर हैं तो स्कूल के होते हैं गजेटेड अफसर होते हैं, वीडियो से सब सब गजेटेड अफसर होते हैं, तो उस व्यक्ति का नाम उसका डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है, पोस्ट का नाम एड्रेस वो किस जगह पर काम पद पर आसीन है उस जगह का नाम और उस व्यक्ति का उस गजेटेड अफसर का यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर। अब देखिए नीचे आपके बहुत सारे बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ गजेटेड ऑफिसर ग्रेड ए, यदि कोई अफसर गजेटेड और ए ग्रेड का ऑफिसर है तो इस पर टिक करें जिससे आप साइन करवा रहे हैं मोहर करवा रहे हैं। फिर आगे आप अपने गांव के मुखिया से करवाना चाहते हैं तो विलेज पंचायत हेड या मुखिया पर टिक करें, या अगर किसी एमएलए एमपी से करवाना चाहते हैं तो एमएलए एमपी पर टिक करें, या हेड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन, या आप अपने किसी स्कूल के हेड मास्टर से करवाना चाहते हैं इस ऑप्शन पर टिक करें। इस तरह से चार पाँच छः ऑप्शन है जिससे आपको सुविधा हो जाए उस व्यक्ति से जा करके अपना आधार अपडेट का फॉर्म को वेरीफाई करवा सकते हैं। अब इधर देखिए यहाँ पर उसका सिग्नेचर और थंब स्टाम्प लगाना जरूरी है, आप ये पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट हम जिनसे वेरीफाई करवाए हैं वो व्यक्ति अपना नाम डेजिग्नेशन और कॉन्टेक्ट नंबर सही लिखे हैं और वो अपना सिग्नेचर और स्टाम्प लगाना ना भूलें फ्रेंड्स। जब इस डॉक्यूमेंट को आप भर लीजिएगा तो जो मैंने आधार अपडेट का ऑप्शन का फॉर्म के रखा हुआ है यहाँ पर ही मैनुअल अपडेट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ही सेलेक्ट वैलिड सपोर्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स में यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट होता है कि आपने जो एड्रेस चेंज कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या दे रहे हैं, तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, पासबुक भी दे सकते हैं एड्रेस चेंज प्रूफ के लिए, स्टेट सेंट्रल आईडी प्रूफ कार्ड भी दे सकते हैं, या विकलांग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन बिल दे सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं, किसान फोटो पासबुक दे सकते हैं, लेटर या फोटो आईडी इशूड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, मेरा सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, पेंशनर दे सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं। यदि दोस्त आप अपने से वेरीफाइड कागज देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा है, यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मल इशूड बाय एमएलएमपी, अगर एमएलएमपी विल कागज इतिहास क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ही आपको अपने मुखिया के द्वारा वेरीफाइड कागज दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए यूआईडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशूड बाय विलेज पंचायत हेड ऑफ मुखिया विलेज पंचायत सेक्रेटरी, इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट एडवाइजरी में दिखाई देता है, नीचे आप पढ़ के ओके कर, ओके करने के बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट आता है, आप अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर नीचे भी दिखा रहता है व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट, इस ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू टू अपलोड का ऑप्शन आता है, जो आपने फाइल सेव करके ऑलरेडी से अपने सिस्टम में रखा हुआ है पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ओपन कर दें। अब ये देखिए अपलोड हो रहा डॉक्यूमेंट, ये देखिए यहाँ पर यस अपलोड हो गया। अब जब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तब यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपको प्रीवियस डिटेल्स दिखाई देगा कि जो आपने डाटा भरा है वो डाटा आपका सही है या नहीं। फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में देखिएगा ऊपर में लिखा रहेगा न्यू एड्रेस नया पता, आप जो नया पता भरे वो सही है कि नहीं वो चेक करके क्लियर हो जाए।
सारा इंफॉर्मेशन आपको सही लगे तो आप ऑप्शन पे टिक करके यहाँ पर ही नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे टिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट ऑप्शन पर टिक कीजिएगा तो आपका एक पेमेंट पैसा 50 रुपया का कटवाना पड़ेगा। देखिए अगर सारा इंफॉर्मेशन आपका सही है, आई हैव एक सारा इंफॉर्मेशन अगर सही है तो इस पर टिक करके आप यहाँ पर ही मेक पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको एक रिसिप्ट जनरेट होगा, जिसे SR नंबर यहाँ साइड में भी लिखा हुआ है, इस नंबर को आप लिख लें और एक सप्ताह या 10-15 दिन तक इसे आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब मेक पेमेंट करने के बाद आपका 50 रुपया का सीधा आपका ऑनलाइन पेमेंट कटता है। अब देखिए इसके डैशबोर्ड में हम आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद मैंने जो रिक्वेस्ट दिया था वो यहाँ पर ही दिखाई नीचे की तरफ देगा, आधार अपडेट जिसका आपका सीरियल नंबर, गेट डेट और ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स इसी में जाकर के आप अपना स्टेटस को देख सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आप भरे हो और ये आपको लगता है कि इस डाटा को हमें चेंज नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी इस ऑप्शन में आपको दिखाया था कि मैंने अभी तक इसे पेमेंट नहीं किया था, ये रिज्यूम ऑप्शन में आके रुका हुआ है। रिज्यूम पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमसे फिर से पेमेंट ऑप्शन डाल करके पेमेंट आपका कट जाता है। तब यहाँ पर दिखाएगा आपका रिक्वेस्ट सबमिटेड। जब रिक्वेस्ट सबमिटेड हो जाएगा तो इससे 1-20 दिन के बाद इसे अपने आधार को लॉगिन करके देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि आपका आधार डेट सॉरी आपका एड्रेस चेंज हुआ या नहीं। फ्रेंड्स ये था आपका, आप अपने आधार में अपना एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ, आप अपना मोबाइल नंबर इत्यादि को आसानी पूर्वक चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक ऑप्शन और आपको बता देता हूं, जब भी आप अपने घर बैठे आप अपना आधार करेक्शन करना चाहें तो उसमें एकदम वैलिड डॉक्यूमेंट ही दें, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट पेंडिंग चला जाता है और चेंजिंग नहीं हो पाता है। और जब भी आप अपना आधार सेंटर अपडेट स्वयं करें चाहे अपने नज़दीकी सेंटर में जाकर करें तो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहना चाहिए। इससे क्या होगा आने वाला समय में आपको किसी प्रकार की परेशानी का दिक्कत नहीं होगा। और फ्रेंड्स जो आधार से लिंक करवाए हैं आप अपना मोबाइल नंबर, वही नंबर आप अपने बैंक में भी वही दें, पैन कार्ड में वही दें, यानी जितने जरूरी काम के दस्तावेज है उन सभी जगह आप अपना सेम ही मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। क्योंकि जो आधार से लिंक मोबाइल रहता है और उसी से कोई जरूरी अगर काम करते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा रहता, ताकि आगे आपको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करें। फ्रेंड्स इस प्रकार मैंने इस वीडियो के द्वारा आपको बताया कि आप अपना आधार को घर बैठे कैसे चेंज कर सकते हैं मात्र 50 रुपया का ऑनलाइन फी पेमेंट करके। दोस्तों इसी प्रकार से मैं और भी आने वाला नेक्स्ट वीडियो में इस प्रकार से आपको मोटिवेट वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी खर्च नहीं होगा, भले ही हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इससे मैं आने वाले समय में नेक्स्ट नया वीडियो आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो पाते रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।